प्रिय विद्यार्थियों, कारा वाले चैप्टर का जो हमने बाएं थैलस के बारे में अब तक पढ़ा, अब आगे के पार्ट में जैसे इसकी कोशिका की संरचना और जनन दो मुख्य भाग हैं, आज इसके बारे में चर्चा करूंगा। परमसंधि की कोशिका छोटी एक केंद्र की एवं कणिका में साइटोप्लाज्म युक्त होती हैं। जैसे सेल के स्ट्रक्चर देखें, सेल की भी जो स्ट्रक्चर है उनमें विविधता होती है, क्योंकि पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं, आप समझ गए। मूलाभाषी कोशिकाएँ होती हैं, तिरकपट होते हैं, इसलिए कोश के संगठन जो है डिफरेंट होता है। तो पर्व संधि की कोशिका यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रक ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्मिक होती है। कोशिका की परिधि की ओर साइटोप्लाज्म में अनेक बिंबाकार क्लोरोप्लास्ट डिस्कोइडल बिंब के आकार के, और वॉलवर्क्स में कैसा पाया गया था, प्यालेनुमा कप शिफ्ट। ये आपको अंडरलाइन करके याद रखना है कि कारा का क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्कोइडल होता है, डिस्क शेप होता है। इसके केंद्रीय भाग में एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। शीर्षस्थ एवं पर्व संधि की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है। थैलस की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो और पर्व संधि की कोशिकाओं में वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि पर्व की कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है। कारा की कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सिलिका एवं कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति खुरदरी प्रतीत होती है। इसके कोशिका द्रव्य में प्रवाही गति पाई जाती है तथा जीव द्रव्य धृति के रूप में पाया जाता है, और इसलिए इसको पत्थर फोड़ा कहा जाता है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि इस पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है, इसलिए इसको पत्थर फोड़ा के नाम से जाना जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जनन रिप्रोडक्शन। कारा में जनन कायिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा होता है और इसमें अलैंगिक जनन का अभाव होता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो वॉल्वॉक्स में कायिक जनन नहीं पाया जाता था, वहाँ पर कायिक जनन की क्रिया अलैंगिक एवं लैंगिक प्रकार से होती थी। कायिक जनन के प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें दरअसल विपरीत विभिन्न परिस्थितियों में कुछ संरचनाएं बन जाती हैं जो कि नए थैलस में विकसित हो जाती हैं, जो कि कायिक जो काया शरीर से ही संरचना विकसित होती है और वो पूरा पादप बन जाती है। सबसे पहला इसमें पत्र प्रकलकाओं द्वारा, अंग्रेजी में कहेंगे इसको बाई बुलबिल्स, ओवर राइटिंग है BULBILS बुलबिल्स। जैसे हमने कारा बाल्टिका लिया है, कारा एस्पेरा आदि लिया है, जातियाँ ली हैं, इसके मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर पत्र प्रकलकाएँ विकसित हो जाती हैं, जो पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियों में नया थैलस बनाती हैं। नंबर दो, अनियमित पत्र प्रकलकाएँ एमोर्फस बुलबिल्स। कारा बाल्टिका की निचली पर्व संधियों पर अनियमित कोशिकाओं के समूह विकसित हो जाते हैं, वो अनुकूल परिस्थितियों में पृथक होकर नया थैलस बनाते हैं। देखिए दो संरचनाएं बनी। तीसरा, एमाइलम तारे द्वारा, इसमें कारा की जाति ली गई स्टेलीगेरा। कारा के पादप के मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर कुछ कोशिकाओं में एमाइलम स्टार्च जमा हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं ताराकार हो जाती हैं, मुख्य अक्ष से पृथक होकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया थैलस बनाती हैं। और चौथा स्ट्रक्चर है द्वितीयक तंतु बाय सेकेंडरी प्रोटोनीमा द्वारा। कारा के प्राथमिक तंतुओं पर अथवा मूलावास पर आधारीय कोशिकाओं से द्वितीयक तंतु विकसित हो जाते हैं, ये वृद्धि कर प्राथमिक तंतु की भांति नया थैलस बनाते हैं। इसलिए अब आपको ये प्रश्न तैयार हो गया है कि काया में कारा के जीवन चक्र में जो जनन क्रिया होती है उसके कायिक जनन में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि कारा की भिन्न भिन्न जातियों में ये चार तरह की संरचनाएं विकसित होती हैं। पहला था पत्र प्रकलकाओं वाला,
दूसरा था अनियमित पत्प्रकलिकाएं, तीसरा था एमाइलम तारे और चौथा था द्वितीयक तंतु द्वारा। अब आता है इसमें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कारा में लैंगिक जनन नर जननांग पुंदानी ग्लोब्यूल कहलाते हैं तथा स्त्री जननांग स्त्रीदानी कहें या इसको निक्यूल कहते हैं। राइट, आपको जननांगों के नाम याद रखने हैं। ये दोनों जननांग अधिकांशतः एक ही थैलस पर बनते हैं, इसलिए कारा की अधिकांश जातियाँ उभयलिंगी होती हैं। कारा में ग्लोब्यूल का विकास निक्यूल से पूर्व होता है। इसमें तीन चार प्रश्न बन गए हैं, नर जननांग का नाम ग्लोब्यूल, मादा जननांग का नाम निक्यूल, ये दोनों का एक ही थैलस पर निर्माण, कारा की अधिकांश जातियाँ उभयलिंगी और ग्लोब्यूल मतलब नर जननांग का विकास मादा जननांग से पूर्व होता है। इसमें अब इम्पोर्टेंट बात आती है, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, नर जननांग का विकास। पुंदानी का विकास सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधि की अभ्यक्ष सतह की परिधि या कोश का आकार में बड़ी हो जाती है और इसमें परिणतिक विभाजन से विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इनमें से बाहरी संतति कोशिका पुंदानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है, जबकि भीतरी संतति कोशिका में पुनः परिणतिक विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से निचली कोशिका पर्व कोशिका के रूप में तथा ऊपरी कोशिका पुंदानी की आधारीय पर्व संधि कोशिका के रूप में कार्य करती है। पुंदानी प्रारंभिक विभाजित होकर एक वृंत कोशिका तथा एक मात्र कोशिका बनाती है। वृंत कोशिका विकसित होकर पुंदानी का वृंत बनाती है तथा पुंदानी मात्र कोशिका दो उदग्र विभाजनों से विभाजित होकर चार कोशिकाएं बनाती है। चारों कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होकर आठ कोशिकीय संरचना बनाती है। ये आठों कोशिकाएं परिणति विभाजन से विभाजित होकर आठ आठ कोशिकाओं की दो परतों में विभक्त हो जाती हैं। इनमें से बाहरी परत की आठों कोशिकाएं पुनः विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार आठ आठ कोशिकाओं की तीन परतें बन जाती हैं। इन तीन परतों में से बाहरी परत की आठ कोशिकाएं शील्ड कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, जबकि मध्य परत की कोशिकाएं प्राथमिक कैपिटुलम का निर्माण करती हैं। प्राथमिक कैपिटुलम से द्वितीयक कैपिटुलम का निर्माण होता है। प्राथमिक कैपिटुलम की कोशिकाओं के विभाजन से पुंजनक तंतु बनता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका कायंत्रित होकर एक पुमड़ू बनाती है। आपको इसको पढ़ने के साथ साथ ही चित्र पर भी ध्यान देना होगा और चित्र की विकास की विभिन्न अवस्थाओं को भी समझना होगा। पुंदानीय पर्व पर कोई आती है तो उसके जो युग्मक बने हैं उनको पुमड़ू कहते हैं, एंथ्रोजॉइट्स। पुमड़ुओं के परिपक्व होते ही पुंदानी की शील्ड कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक अथवा द्वितीयक कैपिटुलम पर स्थित पुंजनक तंतु अनावृत हो जाते हैं और जल के संपर्क में आते ही जिलेटिनीकरण की क्रिया से पुंजनक तंतुओं की भित्ति गल जाती है तथा पुमड़ू मुक्त हो जाते हैं। परिपक्व पुंदानी की आंतरिक संरचना, युवावस्था में ग्लोब्यूल पीले रंग का दिखाई देता है, जो कि परिपक्व होने पर नारंगी लाल रंग का हो जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ग्लोब्यूल एक गोलाकार सवृत्त संरचना होती है, जो कि सीमित वृद्धि की शाखा की पर्व संधि पर वृंत की सहायता से संलग्न रहती है। राइट, तो ये हो गया नर जननांग का विकास और इसमें आपको